पीआरडी क्लासेस में सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अति महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन जो आने वाले हर वनडे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। पहला क्वेश्चन है कि पीआर श्रीजेश को राजीव गांधी बड़े की मानते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए प्रस्तावित किया गया, वह किस खेल से संबंधित है? तो पीआर श्रीजेश जिस खेल से संबंधित हैं, ये ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर तीसरा सही है, यानी कि इसको इनको नामित किया गया है कि इनको श्रीजेश पीआर श्रीजेश को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, अभी प्रस्तावित किया गया। अगर अन्य खिलाड़ी की बात करें तो इसमें हैं एकमात्र महिला दीपिका हैं और कंगुजम हैं, अक्षदीप सिंह है और चिंगलेसाना सिंह है। इन लोगों को प्रस्तावित किया गया है कि इन लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 दिया गया। अब देखिए इसके एक खेल क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है, अगर पूछा जाए कि खेल क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है तो यही दिया जाता है। और इसमें कितनी धनराशि दी जाती है तो 7.5 लाख रुपया दिया जाता है, 7.5 लाख रुपया दिया जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन ये है कि वाटर एंड वाटर कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अगर यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे जो दो ऑप्शन सही है और चौथा ऑप्शन सही है, यानी नई दिल्ली में दिया जाता है, वहाँ इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ये मिनी रत्न एक कंपनी है। अगला क्वेश्चन ये है कि 8वीं एशियाई यूथ वीमन हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हो रहा है? तो अगर बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन जो सही है वो जयपुर है, यहाँ पे जयपुर में हो रहा है। और ये भारत में किसी शहर में अगर हो रहा है तो दूसरी शहर में जयपुर में हो रहा है, इसके पहले दिल्ली में हो चुका है। इसमें कुल 10 टीम भाग ले रही हैं और जयपुर में पहली बार हो रहा है, इससे पहले दिल्ली में हो चुका है। अगला क्वेश्चन ये है कि 2018-19 का भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन रहा? तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो चौथा ऑप्शन सही है, इराक रहा, जिससे 2018-19 में 45.74 मिलियन टन कच्चे तेल की खरीदारी की है भारत। और दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में सुर्खियों में रही मामलू गुफा किस राज्य में है? मामलू गुफा, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो मामलू गुफा मेघालय में खोजी गई है, मेघालय में है। अगला क्वेश्चन ये है कि सेबी ने हाल ही में किस स्टॉक एक्सचेंज पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑप्शन जो सही है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन ये है कि विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे किस देश के नागरिक हैं? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के, कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं और इन्होंने इन पे 50 सप्ताह का जुर्माना लगाया, 50 सप्ताह की कैद की सजा सुनाई गई है, ठीक, क्योंकि ये जमानत नहीं माने थे। और इस पे कौन लगाया? तो ब्रिटिश ने लगाया। अगला क्वेश्चन ये है कि 3 मई को मनाए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2018 की थीम क्या थी? तो अगर यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही है वो तीसरा ऑप्शन सही है, लोकतंत्र के लिए मीडिया, ये ऑप्शन तीसरा सही है। और ये कब से मनाया जाता है? तो 1997 से मनाया जाता है, 1997 से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि GSP क्या है? तो GSP देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो GSP है यह विकासशील देशों के उत्पाद को निःशुल्क प्रवेश, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वही सही है। ये GSP एक अमेरिका द्वारा जो विकासशील देश हैं उनको निःशुल्क उत्पाद के लिए मतलब आयात निर्यात के लिए ये दिया जाता है, ठीक। और इसमें टोटल जितने उत्पाद हैं वो 4800 उत्पाद को निःशुल्क उत्पाद मतलब निःशुल्क श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान की जारी रिपोर्ट के अनुसार मई 2018 से अप्रैल 2019 तक के कितने पत्रकारों की मृत्यु हो गई है? यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो 55 पत्रकारों की पूरे विश्व में मृत्यु हो चुकी है।
अगला क्वेश्चन ये है कि किस भारतीय पहलवान ने अली भारतीय पहलवान ने अली अलीगढ़ कुश्ती प्रतियोगिता में पुरुषों के 65 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता। यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो चौथा ऑप्शन सही है, बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया ने स्वर्ण पदक जीता है। और अगर बात करें तो इन्होंने रूस के विक्टर असदीन को हराया। रूस के खिलाड़ी किसको? विक्टर अस्सा दिन को हराया। अगला क्वेश्चन है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक कौन बनी है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो है एस जयश्री व्यास। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। एक वाली ऐसी महिला है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्वतंत्र महिला बनी है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाया जाता है। टूना क्या है? तो टूना एक प्रकार की मछली की प्रजाति है। टूना प्रजाति है इसकी मछली की प्रजाति। अगला क्वेश्चन है कि जलवायु अपवाद का लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया? तो विश्व का जो पहला देश बना है वो है, ऑप्शन की अगर बात करें तो दूसरा ऑप्शन सही है। यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम विश्व का पहला ऐसा देश बना है जो जलवायु अपवाद का लागू करने वाला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी T20 रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान रहा? तो भारत का स्थान जो है वो 5वां रहा है। इसमें भारत T20 में 5वें स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सिविलियर डे आर्डे नेशनल डे ला लीडन होनू से किसे सम्मानित किया गया? तो जो इसरो के अध्यक्ष थे, पूर्व अध्यक्ष, उनको ही सम्मानित किया गया है। यानी कि ऑप्शन जो सही है वो दूसरा है, AS कुमार को सम्मानित किया गया है। किस लिए दिया गया? तो फ्रांस के अंतरिक्ष यान में सहयोग देने के लिए इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किस रंग की नंबर प्लेट का उपयोग करना अनिवार्य बना दिया? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो हरा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हरा यानी कि हरा कलर की क्या होगी, उसकी प्लेट होगी और उस पर जो लिखी जाएगी। तो अगर निजी गाड़ी है तो उस पर सफ़ेद कलर से लिखी जाएगी। अगर वो वाणिज्यिक है तो उस पर पीले कलर की लिखी जाएगी। अगर वाणिज्यिक है तो किस कलर की लिखी जाएगी? पीले कलर। अगला क्वेश्चन है कि मंगलुरु सिटी पुलिस ने एक कौन से अखिल भारतीय पुलिस गश्ती दल की स्थापना की है जो महिलाओं की सुरक्षा का निगरानी करेगा? यहाँ पे ऑप्शन सही है रानी अबक्का फोर्स क्या करेगा? महिलाओं की सुरक्षा करेगा, चैन स्नेचिंग ये सब से महिलाओं क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। अगला क्वेश्चन ये है कि इसरो अगले वर्ष सूर्य के अध्ययन के लिए प्रोब भेजने की योजना बना रहा है, इस योजना का नाम क्या है? तो यहाँ अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन जो सही हो, पहला ऑप्शन सही है, Aditya L1 भेजेगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एडीबी के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में वृद्धि कितने प्रतिशत आने का अनुमान है? यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन जो तीसरा है वो सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, यानी कि 5.7% रहने का अनुमान है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर से आप लोगों का कल स्वागत रहेगा PRD क्लासेज में।